Hello friends, how are you? So as I promised that I will be delivering sectional videos of all the sections of RRB clerk and PO mains. So I have uploaded like GA and mathematics, reasoning and English videos. Now the last section which comes is computer awareness, right? So in computer awareness, what you have to do, मैं आपको तीन चीज बताता हूँ. आप उस तीन चीज को रिग्रेसिव फॉलो करो, आपके मैं बता रहा हूँ फुल मार्क्स आएंगे. देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ अभी देने वाला हूँ और उस पीडीएफ को मैं आपको समराइज करके एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपको उसको पढ़ना कैसे है. दूसरा आपको क्या करना है, एक अंकुश लांबा की यूट्यूब पे सीरीज पड़ी हुई है आरआरबी पीओ कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन का, ठीक है, उसमें चार पाँच वीडियोज़ हैं फुल लेंथ के, उसको आपको देखना है. और तीसरा जब आप ये दोनों कर लो और इनसे सीख लो, रिवाइज कर लो, नोट्स कर लो, फिर जो ऑलिव बोर्ड एक सीरीज चलाता है टॉप 50 आरआरबी क्वेश्चंस, कंप्यूटर क्वेश्चन अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर आरआरबी पीओ, टॉप 100 कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन फॉर आरआरबी क्लर्क, तो इस तरह से उनकी बहुत सारी सीरीज आती हैं, ठीक है. तो फिर आपको उससे जाके फाइनली अपना रिविजन करना है और क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है. सो ये तीन तरीका है जिससे आपको ख़त्म करना है. तो आप ये दोनों वीडियो वाला देख लेना, मैं पीडीएफ आपको दिखाता हूँ और पीडीएफ आपको समझाता भी हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है. ऑल्सो गाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर लो. मैं वहाँ पे गिव अवे के विनर्स भी अनाउंस करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सारे पीडीएफ और प्रीवियस पेपर्स वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है. तो आप लोग सारे लोग जाके टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है. बाकी आप लोग जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पर चाहते हो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. और ऑल द बेस्ट, और आप इस पीडीएफ को देखो और शेयर करना इसको जितना भी होता है अपने फ्रेंड्स से, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी. ओके ठीक है, नाउ वॉच दिस पीडीएफ. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे इसको पढ़ना, मैं आपको इवन बता भी देता हूँ, पढ़ाई देता हूँ जल्दी से. देखो इसमें होता क्या, देखो कि आपको बेसिकली कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज, हिस्ट्री उनकी, उनका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसा है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम, टोपोलॉजी, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप पहले लिख लो कि जो जो आते हैं, ठीक है. जैसे टोपोलॉजी हो गया, हाई लेवल लेवल ऑफ लैंग्वेजेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मेमोरी यूनिट्स हो गई, ठीक है. DBMS के दो तीन आते हैं, फाइल एक्सटेंशन आती है, कीज़ आती हैं, शॉर्टकट कीज़ आती हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क आते हैं, ठीक है. और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में वो सब आते हैं आपके, कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं. फिर आपका OSI मॉडल हो गया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, TCP/IP मॉडल, ये मॉडल, ठीक है. तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना कैसे. पहले बात तो देखिए इस PDF को पढ़ना कैसे. आपको क्या करना है, इस PDF को जस्ट रीड करते जाओ, ठीक है. और जो भी आपको ऐसा लगता जाए इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाओ. वैसे मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, लेकिन तब भी ये तो जो मुझे लगता था, लेकिन जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे या फिर जो लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती उसको आप हाईलाइट करते जाओ, वो रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है. अब देखिए पढ़ना क्या क्या है. कुछ आपको स्टार्ट करना है सिर्फ रीडिंग से, सिर्फ रीड करते रहो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लो, हिस्ट्री पढ़ लिया. उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए किसी भी कंप्यूटर के एग्जामिनेशन में हमेशा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्स्ट किसने किया, क्या वो नई टेक्नोलॉजी थी वगैरह वगैरह. तो अब जैसे मान लो ये फर्स्ट ABC था तो ये याद कर लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा ENIAC था वो याद कर लो, ठीक है. उस तरह से ये टेबल याद कर लो, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, फादर वादर बहुत आते हैं. फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद रखो, हर जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ ये आपको पता होना चाहिए. लाइक फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हुई और मशीन लैंग्वेजेस यूज़ हुई, ठीक है. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप देख लो. SQL एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि लाइक थर्ड जनरेशन में ICs किस जनरेशन में यूज़ हुई थी, तो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी, ठीक है. ऐसे फोर्थ जनरेशन में VLSI, फिफ्थ जनरेशन में USI. उसके बाद ये ऑपरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है देख लो, थोड़ा बहुत एनालॉग और डिजिटल दो तरह के होते हैं और हाइब्रिड, ठीक है. फिर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर. सुपर कंप्यूटर बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है वो, तो फर्स्ट देख लो, फास्टेस्ट देख लो. इंडिया का क्या है, इंडिया का फर्स्ट और फास्टेस्ट देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल से, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है. क्वेश्चंस इन्होंने अच्छी चीज़ PDF की यही है कि इन्होंने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस भी आए हैं RBI में, NABARD में, ECGC में, वो सारे इसमें डाल रखे हैं, ठीक है. तो उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी लास्ट ईयर क्वेश्चन से, ठीक है. फिर आप ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ये तो बचपन में आप लोग पढ़ते चले आओगे. इनपुट यूनिट होती है कंट्रोल, मेमोरी और ALU, और फिर आउटपुट यूनिट होती है. तो बेसिक जो आपने बचपन में पढ़ रखा है सारी चीज़ें वही हैं, बट ये आपको जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं. फिर रैम रोम तो यार बचपन से पढ़ जाओ तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो.
सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ लो। सेकेंडरी मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो हम अलग से देते हैं, लाइक हार्ड ड्राइव हो गई आपकी, मैग्नेटिक टेप्स हो गया वगैरह, ठीक है ये सब देख लो। उसके बाद DVD, ठीक है। फिर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखो लगाओ क्या क्वेश्चन पूछा था। इनपुट कीज़ बस एक बार देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना नहीं। हाँ फिर ये सब इंपॉर्टेंट है, MICR और OCR, इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं, इनके बारे में आ जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपके कैथोड रे ट्यूब इंपॉर्टेंट है, OLED, जैसे OLED इसलिए मैंने हायर कर रखा क्योंकि OLED की आजकल बहुत सारी वो आ रही हैं, TVs आ रही हैं, तो जो चीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि नई मतलब जो कि अवेलेबल है बाहर वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर्स के बारे में देख लेना, ये प्रिंटर्स के बारे में ये वाला कॉन्सेप्ट DPI बहुत आता है इसलिए मैं उसको हायर कर रखा है, ठीक है। डॉट्स पर इंच और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में पूछा जा चुका है RVRB PO के पेपर में, इसलिए मैंने डेजी व्हील को कर रखा है। पूछा जाता है कि डेजी व्हील क्या इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक है। फिर इंकजेट प्रिंटर बहुत फेमस वाले हैं तो ये देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर रखे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप देखो, ASI कोड एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। फिर क्या देखना है आपको, हाँ फिर ये एक बार सिर्फ उसको पढ़ना है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, मगजमारी आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। सो कर्नल मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। बिल्कुल भी गाइस आप लोग डरना मत कि कैसे करना है इसको, आपको सिर्फ रीड करना है इस PDF को दो बार। एक बार पढ़ोगे आप पूरा, हाईलाइट करोगे, फिर दोबारा जब रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, और तब भी ना याद हो तीसरी बार पढ़ो, मैं लिख के दे रहा हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ रटना है इसको, कुछ और नहीं करना। उसके बाद ये हो गया आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है 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 ठीक है। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्या आता है, फिर थोड़ा सा ये बूट वगैरह एक बार देख लें, सिर्फ देख लेना एक बार, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, असेंबलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, कि कौन किस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है। लाइक असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में करता है, कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल से लो लैंग्वेज में लाता है, लाइक ठीक है, जैसे C++ पे आपने कभी कोडिंग की होगी तो वो क्या करता है कंपाइलर यूज़ करता है ना, तो जो आप कोडिंग लिखे हो तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में लाता है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये है वो है और क्या क्या भाई लो लेवल लैंग्वेजेस, अच्छा अब ये होती क्या है लो लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, वो अच्छे से पढ़ लेना। हाई लेवल गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में एग्जांपल बहुत आते हैं, पूछता है पास्कल क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है क्या है, ठीक है। कोबोल को पूछ ले, कोबोल का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको आप हाईलाइट करके पढ़ते जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब बस आप ये नाम जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना, कौन कौन से आते हैं ऊप्स में, ये ऊप्स बोलते हैं इसको, तो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, ये सारे आपके ऊप्स में आते हैं। फिर डीबगर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, दो तीन चीज़ें ऐसे देख लो, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, लॉजिक गेट भी एक बार बस देख लो क्या होता है, एंड गेट कैसे काम करता है, सारे गेट एंड गेट, नॉर गेट और जॉर गेट, ठीक है। उसके बाद DBMS आता है, DBMS में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेना, ठीक है। आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो भी देख लेना एक बार बस देख लेना। आपको हर चीज़ सिर्फ एक बार देखनी है, ठीक है, और दोबारा रिवाइज करना है उन इंपॉर्टेंट चीज़ों जिनको आपने हाईलाइट कर रखा है। ओके, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शॉर्टकट कीज़, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ में क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना, जैसे कंट्रोल ये आप लोग बचपन से यूज़ कर रहे हो, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, उसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी होती हैं, लाइक कंट्रोल एन से नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक आप इंसर्ट करते हो, शिफ्ट F7 से क्या होता है अच्छा सॉफ्टवेयर आ जाती है। और गाइस इसको सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ शॉर्टकट कीज़ याद करने का, आप अगर आपके पास अगर लैपटॉप या PC कुछ है ना, तो इनको पढ़ते पढ़ते सब कुछ चेक करते रहो। जैसे मैं सारी चीज़ें मैं शिफ्ट करता था, क्या शिफ्ट F7 से छोड़ आ रही है, F12 से सेव एस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तो आपको और अच्छे से याद रहती हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको दो बार सिर्फ देखना पड़ेगा, दो बार रटना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। फिर कुछ एक्सटेंशन भी आ रहे होंगे, एक्सटेंशन वगैरह भी देख लेना, ठीक है ठीक है। शॉर्टकट कीज़ वो भी हैं देख लेना, ये भी शॉर्टकट कीज़ है। और क्या है इसमें, एक मैं वो उसका वेट कर रहा हूँ, उसमें आगे है वो टोपोलॉजी, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर एक ये देख लेना बहुत आता है, एरिया नेटवर्क एरिया, लैंड मैन, ठीक है, लैंड मैन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर हाँ, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी को आपको अच्छे से समझ लेना है, फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी समझना, जैसे मान लीजिए बस टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है एक वायर होता है और एक वायर से सेवरल पीसेस कनेक्टेड होते हैं, ऐसे रिंग टोपोलॉजी होती होता है कि सारे पीसेस एक साथ कनेक्टेड होते हैं एक सिस्टम में, तो इस तरह से टोपोलॉजी को पढ़ लेना, डुअल रिंग, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, फिगर से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैश टोपोलॉजी,
तो ये सबको अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी वाला। फिर लेयर्स वाला आता है जो मैं आपको स्टार्टिंग बताया था ना, 7 लेयर्स होती हैं। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ये लेयर सारी पढ़ लेना, ये जो 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में और TCP/IP मॉडल में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस PDF में मैं यही बोलता हूँ, ये 50 पेज की PDF है, लेकिन मैं जब जितनी भी चीज़ें लिखी लगभग सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म बहुत आता है, TCP/IP का फुल फॉर्म देख लेना, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, BCC का फुल फॉर्म, ब्लाइंड कॉर्नर, BCC पता है ना, जब आप मेल करते हो उसमें CC और BCC दो चीज़ होती है, तो BCC वो होता है, वो होता क्या है वो पढ़ लेना, उसका ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। और आई थिंक फिर ये एब्रीविएशन बहुत आते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ लेना, बेसिक का फुल फॉर्म आता है, BCC को मैंने बता रखा है, ये वो है जो मुझे नहीं आता तो मैंने इनको हर कर रखा है, आपको जो जो नहीं आता है उसको हाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि जो मुझे आता था मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, जैसे ATM है, ठीक है, तो वो ATM वो वाला ATM नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वाला, ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो आपको नहीं आता उसको हाईलाइट कर लो, जब रिवीजन करोगे दोबारा पढ़ लेना, दो बार पढ़ोगे गाइस अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्ट्रान बहुत आता है, फॉर्ट्रान का लैंग्वेज पढ़ना, फॉर्मेट ट्रांसलेशन होता है, फ्लॉप्स आता है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन फिनिश दिस PDF।